सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। बिहार में अपराधी बेखौफ होकर लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर जमुई जिले से सामने आ रही है, जहां जमुई जिले के जिला मुख्यालय टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत परमिला रेस्ट हाउस के समीप दिनदहाड़े गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान जमुई थाना क्षेत्र अंतर्गत कल्याणपुर गांव निवासी विनोद सिन्हा का पुत्र सुमित सिन्हा उर्फ रितु के रूप में की गई है। घटना के संबंध में आपको बताते चले कि दोस्तों के साथ आपसी विवाद को निपटाने गया था, इसी क्रम में रितु को गोली मारकर हत्या कर दी गई। सरेआम बीच बाजार में गोली मारकर हत्या के बाद बाजार में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद जमुई टाउन थाना की पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजकर मामले की छानबीन कर रही है। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद जमुई सदर डीएसपी डॉक्टर राकेश कुमार सदर अस्पताल पहुंचकर परिजनों से पूछताछ करते हुए मामले की छानबीन कर रहे हैं। इसको लेकर इनका आपस में विवाद हुआ है, जिसके आक्रोश में उन्होंने गोली मारने वाला कुछ पता चला है? कौन था गोली मारने वाला? वो नाम हम लोग को ज्ञात है, वो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और ये जो घायल हुआ है या जिसका गोली लगा, वो कहाँ का है? ये कल्याणपुर के रहने वाला है। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।